Jai Shivaraya. Thank you. Honorable Minister Smriti Irani ji would like to intervene. थैंक यू सर फॉर द काइंडनेस शोन टू मी. सर्वप्रथम मैं अपने संगठन का और संसदीय कार्य मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे इंटरवीन करने का मौका मिला. सर, कृतज्ञता की भावना के साथ आज अमेठी की सांसद के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार वंदन करना चाहती हूँ. किसी भी सांसद के लिए उनका पहला कार्यकाल इस भवन में सांसद के नाते यादगार होता है, लेकिन नेता अगर नरेंद्र मोदी जैसा हो तो इतिहास गढ़ने का और इतिहास की साक्षी बनने का भी मौका मिलता है. इसलिए आज मैं ऋणी हूँ कि धारा 370 को हटते हुए हमने ना सिर्फ देखा बल्कि उसको हटाने में अपनी ओर से सांसद के नाते हम सहयोग भी कर पाए. मैं ऋणी हूँ कि इस भव्य भवन में जो पहला भारत सरकार की ओर से विधेयक आया उसने देश भर में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया. लेकिन साथ ही आज मैं रामलल्ला के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, ऋण व्यक्त करती हूँ कि जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो भव्य मंदिर में विद्यमान होंगे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना तो इसी सदन के नेता को चुना. और राष्ट्र सेवक को हमने राम सेवक की विनम्र स्वरूप में अयोध्या धाम में देखा, ये हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं. लेकिन ये भी सत्य है कि विनम्रता के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए आमंत्रण स्वीकार किया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु को भी नकारा और आमंत्रण को भी नकारा, और उनके लिए मुझे लगता है कि यही उचित होगा कहना कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीना. मतलब प्रभु जिनको भव्य दुख देने वाले हैं सबसे पहले उनकी मति भ्रष्ट होती है. तो आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूर्व के सांसद रहे उन पर विश्लेषण करने की बजाय मैं आभार वंदन करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी का. लेकिन उससे पहले इस सभा में, इस सदन में एक तिरस्कार की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर जो कटाक्ष हुए उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ. अमेठी की सांसद के नाते 48 साल 48 years अमेठी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे, और आज अगर यूपीए के कार्यकाल में उस क्षेत्र में क्या हाल था जनता जनार्दन का उसको उल्लेखित करूं तो सेंसस 2011 का यह आंकड़ा है कि सुल्तानपुर जिला जिसमें अमेठी समाहित थी उसमें लगभग 62% परिवारों के पास बिजली नहीं थी. ये कांग्रेस के कार्यकाल का आंकड़ा है कि जिस जिले में अमेठी समाहित थी 2011 का आंकड़ा कहता है कि 83.8% उस जिले में परिवारों के पास शौचालय नहीं था. जिस जिले की आज मैं बात कर रही हूँ साल 2011 का आंकड़ा है कि मात्र 20% ही रायबरेली जिला के लोगों के पास पीने का नल से जल था, और यही हाल उस जिले का भी था जिसमें अमेठी समाहित है. इसलिए आज जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कितना लोहा है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी आए तभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र को पहला खाद का रैक नसीब हुआ, 48 साल जब गांधी खानदान का एक छत्र राज था तब ये नसीब में उनके क्यों नहीं था. अमेठी में, और हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हैं, अमेठी में किसानों के लिए पहली बार सॉइल टेस्टिंग लैब तब बना जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने. अमेठी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने, और आज अमेठी के 3,80,000 किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3,80,000 किसानों का सम्मान बढ़ाया. हर वर्ष उनको 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में भिजवाया. आज जो इस सदन में कांग्रेस के नेतृत्व का दम भरते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ
ये आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख बैंक के खाते पहली बार खुले। जहां गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज था, वहां 10 लाख लोग बैंक के खाते से वंचित क्यों थे? आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को अमेठी के जनमानस की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे देश में 1 रुपए के प्रीमियम में सुरक्षा का बीमा का कवच दिलवाया नरेंद्र मोदी ने। अमेठी में 7 लाख लोगों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। इस सत्य को खानदान कितना भी चाहे झुटला नहीं सकता। आज यहाँ पर मैंने कटाक्ष सुनते अनुभव किया कि लोगों ने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो घर बन नहीं रहा। अब जहाँ गांधी खानदान ने 48 साल बिताए, वहाँ पर प्रश्न उठता है कि मात्र मोदी के कार्यकाल में, और मैं सांसद के नाते आभार व्यक्त करती हूँ, 1,08,062 घर बने। नरेंद्र मोदी ने 1,08,062 परिवारों को जीवन में पहली बार घर दिया। जहां पर गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज रहा, वहां 1,08,000 परिवार घर से छत से वंचित क्यों रहे? सेल्फ हेल्प ग्रुप देश भर में 10 करोड़ बहनों को और 3 करोड़ बहनों को विशेष लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। उस संकल्प में अमेठी की 1,25,000 बहनें जुड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष उसके लिए अभिनंदन। आज मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूं, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनवाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनवाड़ी की दीदी को 750 रुपये मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5 लाख रुपये के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम करते हैं और नरेंद्र मोदी राष्ट्र के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 लाख लोग जुड़े हैं और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को आभार। मैं महोदय कह चुकी हूँ, 48 साल गांधी खानदान ने एक छत्र राज किया, लेकिन जल जीवन मिशन में नरेंद्र मोदी जी ने 2,70,000 घरों में पहली बार नल का दिया। देश को न्याय दिलवाने की बात करता है गांधी खानदान, ये बतला दे 48 साल में अमेठी को न्याय क्यों नहीं दिलवा पाए? आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अमेठी में इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बनाने की श्रृंखला महोदय 4 लाख को पार कर चुकी है। जो ना शौचालय दे सके एक जनपद में, ना बैंक का खाता दे सके एक जनपद में, जो ना घर दे सके गरीब को एक जनपद में, आज वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को किसी भी स्वरूप में अपमानित करें। ये आज इस सदन के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से राष्ट्र को अवगत कराना चाहती हूँ। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 48 साल 48 ईयर्स गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा, लेकिन जब पूर्व सांसद की बात आती है तो उनके सानिध्य में 200 फैक्ट्रियां बंद हुई। आज मैं नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हूँ, छोटी सी छोटी इकाई को खोलकर महोदय 6,000 से ज्यादा MSMEs को, उद्योग को छोटी इकाई में अगर किसी ने सहयोग दिया तो वो मोदी सरकार ने सहयोग दिया। महोदय, प्रधानमंत्री जी ने विशेष अभिनंदन किया उज्ज्वला की बहनों का, जिनको धुएं से रसोई में अपनी मुक्ति मिली। ये पूछने लायक बात है कि जिस सरकार में एक महिला मुखिया थी, उसी के लोकसभा के सानिध्य में 2,20,000 महिलाएं गैस की सिलेंडर की सुविधा से वंचित क्यों थी? आज अमेठी की 2,20,000 बहनें उज्ज्वला योजना के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हैं। मैं समय की मर्यादा जानती हूं महोदय, इसलिए 2-3 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे हाथ में महोदय एक लिस्ट है,
सिंगपुर जामो गौरीगंज भेटुआ तिलोई मुसाफिर खाना बहादुरपुर भादर सलोन, इसमें 40 गांव ऐसे हैं महोदय जिनमें बिजली पहली बार मिली जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। 48 साल और 40 गांव में बिजली तक का ना होना 2017 तक महोदय, ये बतलाता है इनकी क्षमता क्या है। और महोदय आज आपको पुनः याद दिलाती हूँ कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने इसी सभागार में अपने वक्तव्य को राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने उद्बोधन को समर्पित किया था, तब उन्होंने इस सदन को और राष्ट्र को याद दिलाया था कि जब जब कोई भी ऐसा नेता जो गांधी खानदान को चुनौती देता है और जो विशेष वंचित परिवार से आता है उसको गांधी खानदान कांग्रेस पार्टी जलील करती है, अपमानित करती है। आज अमेठी के इतिहास का एक छोटा पृष्ठ आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ महोदय। जब अमेठी में राजमोहन गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, महात्मा गांधी के सर ये पोते, इन्होंने जब चुनाव लड़ा इंटरवेंशन तब जागड़ ब्लॉक में नंदमहर में ईंटों से पत्थरों से उनको मारा गया। वन सेकंड The intervention of the Honorable Minister is fully confining to the constituency which she represents. Yes, sir, I'm talking. Yeah. Fight against the Gandhi family was beaten by, sir, he was literally bricked in Shahgarh block. In Shukal Bazaar, he was forcibly made to sit in a police station, and he, the grandson of Mahatma Gandhi, was called Nakli Gandhi by those who usurped the name of Gandhi to do their politics. This is Amethi, sir. That when Menaka Gandhi went to fight in election in 84, she was also humiliated. And when, sir, I don't know why they are upset. This is their history, sir. Sharad Yadav ji, when he went to fight Amethi, sir, he was told by Congress ke neta ki Sharad wapis jao, jaakar apni bhais charao. इसलिए आज जब प्रधानमंत्री का ये अपमान करते हैं तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, गांधी के पुत्र को जो ईंटें मारते हैं, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करेंगे। महोदय, आज मैं अगर इन्हें इतनी लज्जा आती है कि इनके नेता ने क्या किया, तो मैं कह दूं 7 पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन ये पाप नहीं धुलेगा। मैं महोदय इतना कहना चाहती हूं, मैं महोदय ये कहना चाहती हूं कि आज आपने बजट में इंटरवेंशन करने के लिए मुझे मौका दिया। अधर जी, if anything, anything objection, anything objection, nothing is objectionable, sir. I can actually prove it on the table. If so desired, and the evidence will embarrass the Gandhi family even more. No, please. That please, they threw please. Stones at the grandson of Mahatma please. Gandhi in Amethi. That they humiliated Sharad Yadav in Amethi. That they humiliated Kashi Ram in Amethi. No, humiliated Madam, every Madam. Leader who stood up against this family is no, the please. Truth which can be evidenced please. In this house. Please. Sir. No, please. Sir. Please, avoid. भारत की भोर है अमेठी का है, मोदी वंस मोर है। इतना ही, अमेठी की सांसद के नाते प्रधानमंत्री जी को अब तक उन्होंने जितना अमेठी को बजट के माध्यम से, राष्ट्र को बजट के माध्यम से उन्नति के पथ पर लेकर आए उसका आभार। और उनके तीसरे कार्यकाल की मैं अमेठी के नागरिकों की ओर से उनको बधाई देती हूँ। पुनः कहती हूँ, धन्यवाद। नए भारत का भोर है, इंडिया में मोदी वंस मोर है। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर मैडम श्रीमती जिम्बल यादव जी। जिम्बल यादव जी प्लीज। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद।